हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अपने नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं सुबह के 11 बजे। मेरा सारा काम हो चुका है और मैं फ्री हो चुकी हूँ, और मेरी बेटी भी सो के उठ चुकी है। उसका तबीयत थोड़ा ठीक है अभी, कल से मतलब बुखार उतर गया है, सिर्फ हल्का फुल्का सर्दी रह गया है। और अभी मेरी प्यू चली गई है रूही के घर, उसकी मम्मी नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो कैसे जाके बैठी हुई है उनके दरवाजे पर। ये देखिए पीहू को, वो लोग कोई नहीं है पर पीहू आवाज़ लगा रही है और उनको बुला रही है, ताला लगाए इनके घर में। पापा? नहीं बेटा, वो लोग नहीं आवाज़ लगा रहे अंदर से। बुला बोल, निकलो जल्दी। ये जस्ट सो के उठी है अभी और सीधा दौड़ते भागते यहाँ पहुंची है। चलो चलो बेटा अपने घर। नहीं है वो लोग, कोई नहीं है, वो लोग घूम गए हैं। चलो ना जाएगी, इसको मैं तब से रेडी करने का सोच रही थी पर सो गई तो फिर नहीं रेडी किया इसको, अब रेडी कर देती हूँ। नहीं है वो लोग बेटा, चलो इनके गेट से हटने का नाम ही नहीं ले रही है ये। इसको लग रहा है ना कि वो लोग अंदर है और निकल नहीं रहे बाहर, इसीलिए गेट ठकठका रही है ये। अब देखो बेचारी क्या करेगी, बैठ गई इंतजार में जब खोलेंगे गेट। हाँ शाम हो चुकी है और आज हम लोग जा रहे हैं बुट्टी मोड़, जो कि थोड़ा सा पास से ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो हम लोग पैदल जा रहे हैं। पीहू के साथ में कुछ सामान लेना था मुझे, और मेरे साथ में जो जा रही है रूही की मम्मी, उनको चूड़ी वगैरह लेना है, मेकअप का कुछ सामान लेना है, तो वही लेने के लिए हम लोग सारे जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। पीहू को रेडी कर लिया है पर पीहू खुश नहीं नज़र आ रही है, आप लोग देख रहे हैं, ये कैमरा में थोड़ा गुस्सा दिखा रही है अपना। इसका फ़ोटो खिंचवाना है आज, हाफ फोटो, इसका एक भी नहीं है। जब से पैदा हुई तब से सिर्फ मोबाइल में सारा फोटो, इसका फोटो शूट किया है मैंने, एक भी फोटो स्टूडियो से नहीं खिंचवाया, तो वही खिंचवाना है हाफ फोटो, तो इसलिए लेके जा रही इसको तैयार करके मैं। तो हम लोग आ चुके हैं बुट्टी मोड़ और ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, पीहू को लेके मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। रूही की मम्मी को कुछ काम है शायद अंदर दुकान में, तो वो अंदर जा रही है और हम लोग बाहर ही खड़े हैं उनका वेट कर रहे हैं। मेरी पीहू चारों तरफ जितने भी लोग थे, एक छोटी सी बच्ची थी उसको पकड़ रही थी, उसके पास खेलने जा रही थी, जितने भी लोग जा रहे थे वो लोगों को पकड़ पकड़ के छू छू के देख रही थी, जैसे कि पता नहीं क्या है वो लोग। ये एक इधर है एक फ़ोटो स्टूडियो, हम लोग देखते हैं वहीं से फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, पीहू का भी और मेरा भी। और पीहू को देखिए कैसे एक्टिंग करती है ये। और फिर उसके बाद हम लोग फ़ोटो खिंचवा लिए थे, और एक फ़ोटो इसका मेरे को बड़ा फ्रेम करवाना था, तो इसीलिए मैं बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी जब तक वो हाफ फ़ोटो निकाल के दे रहा था, तब तक हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे। और मेरी पीहू के बगल में जो बैठे हुए थे अंकल, पीहू वो मैच देख रहे थे, पर पीहू उनका मुंह ऐसे झांक झांक के देख रही थी, वो इसको देख भी नहीं रहे थे, फिर भी ये पूरा ध्यान इसका वहीं पे था। और इधर देखिए आप लोग कितने सारे फ़ोटोज़ थे। और फिर उसके बाद हम लोग आए स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए, तो ये है स्टोर, जनरल स्टोर है ये यहाँ पे। और फिर दूसरे स्टोर में गए थे हम लोग चूड़ा ख़रीदने के लिए, रूही की मम्मी को चूड़ा ख़रीदना था। और अब मेरी पीहू बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था इसको घूमते घूमते, तो इसको बोरिंग लगने लग गया था उतना में। गाइस मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ, आप लोग देख रहे हैं, और मुझे वहाँ से आने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, मतलब मुझे 6:30 बज गया था लगभग, क्योंकि जो मेरे साथ में गई थी रूही की मम्मी, उनको छठ का मतलब वो छठ कर रही हैं, तो उनको बहुत सारा सामान लेना था, तो पहले हम लोग बूटी मोड़ गए, वहाँ पर सामान मतलब लिया थोड़ा बहुत, और फिर यहाँ ये पीताम्बरा, फिर पीताम्बरा से भी लिए। और मेरा जाने का मन नहीं था बिल्कुल भी, मतलब मुझे BIT जाना था वैसे सब्जी खरीदने के लिए, पर फिर उन्होंने बोला कि चलिए थोड़ा सा मेरे साथ में, तो फिर चली गई मैं उनके साथ। और मेरा भी थोड़ा फ़ोटो खिंचवाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इन्हें कुछ काम है अपने ऑफिस में फ़ोटो का, मेरा भी और पीहू का भी, तो ज़रूरी था, तो फिर इसीलिए मैंने जाके फ़ोटो भी खिंचवा ही लिया आज। 2-3 दिन से मेरे पीछे लगे हुए थे कि फ़ोटो खिंचवा लो, फ़ोटो खिंचवा लो, फ़ोटो खिंचवा लो, पर आज फाइनली जाके मैंने फ़ोटो खिंचवा ही लिया। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हम लोगों की फ़ोटोज़, मेरी पहली बार हाफ फ़ोटो अच्छी आई है, मतलब पासपोर्ट साइज, मेरे वैसे फ़ोटो अच्छी आती नहीं है, बाकी सेल्फी तो हमेशा ही अच्छी आती है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है,
पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा है वह फ़ोटो। मैं पीहू का भी दिखाती हूँ, और फिर एक फ़ोटो हमने पीहू के लिए बड़ा निकलवाया है, मतलब वो मेरा पीहू का बेस्ट फोटो है बचपन का, तो वही वाला हमने थोड़ा बड़ा फ्रेम करवाने के लिए दिया है, वो भी आ जाएगा जल्दी 2-3 दिन में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फोटो दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो ये मेरी प्यारी बेटी का फोटो है, कितनी सुंदर लग रही है, क्यूट सी इसमें। मैंने सोचा था पहले इसको टोपी पहना के फ़ोटो खिंचवाऊँगी, फिर उन्होंने जो स्टूडियो वाले थे भैया, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं छोटी में अच्छी लग रही है, क्यूट क्यूट। इसको हमने बहुत हंसाने की कोशिश की थी, पर ये बिल्कुल भी नहीं हंसी। और ये मेरा फ़ोटो है, जिसमें तो मैं आप लोगों को पहचान में भी नहीं आ रही होंगी, उन्होंने इतना ज़्यादा एडिट कर दिया। पर मेरा ये अच्छा फ़ोटो आया है, क्योंकि एक बार मैंने बाहर में फ़ोटो खिंचवाया था, वो बहुत ही बेकार आया था, तो वो फ़ोटो कहीं देने लायक भी नहीं, उससे तो ये अच्छा है। ये सभी बाजारों में हर जगह भीड़ में सिर्फ अभी छठ का चल रहा है, क्योंकि छठ पूजा 4-5 दिन में है, तो छठ के लिए तो एकदम बहुत जोरों शोरों से सब लोग तैयारी में लगे हुए, एकदम ट्रक के ट्रक केले वगैरह आए हुए हैं। हम लोग जा रहे थे मार्केट में, तो हमने पूरा बाजार देखा, सिर्फ अभी छठ का ही, मतलब सब जगह, इससे पहले दीपावली का भीड़ था, अभी छठ का भीड़ है, उसके बाद तो कोई त्यौहार है भी नहीं, फिर सीधा संक्रांति, शायद हम लोगों की 14 तारीख के बाद मकर संक्रांति है। वैसे 25 दिसंबर को भी करते हैं, पर वो तो क्रिश्चियन लोग ज़्यादातर सेलिब्रेट करते हैं, नॉर्मल बहुत ही कम लोग करते हैं। बाकी छठ पूजा तो झारखंड में बहुत लोग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि जो घाट वगैरह होते हैं नदी किनारे, वहाँ पे तो इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, जैसे मेला लगा हुआ होता है उसी टाइप का भीड़ होता है। बाकी बिहार में तो सेलिब्रेट करते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, पर झारखंड में भी सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारी जगह ऐसे जहाँ पर आप तालाब वगैरह हो गया, या फिर आजकल लोग अपने छत में टब वगैरह रख के। अब खाना खाते हैं, और आज मैंने चावल बनाए हैं बासमती वाले, ऐसे ही कुकर में, मतलब नॉर्मल चावल फ्राई, जीरा राइस। और मेरे पति लेके आए हैं आज मटन बाहर से, क्योंकि आज इंडिया जीत चुकी है, तो उसकी खुशी उनको सबसे ज़्यादा है, तो इसी खुशी में वो आज मटन लेके आए हैं कि आज हम मटन खाएंगे, आज इंडिया जीत गई है। तो देखिए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये मैंने चावल फ्राई कर रखे हैं, मतलब मैंने इसको कढ़ाई में बनाया है, क्योंकि मैं कुकर में बनाती हूँ तो पूरा चिपक जाते हैं ये चावल, इसलिए मैंने इनको कढ़ाई में बनाया है। और मैं मटन दिखाती हूँ आप लोगों को, ये रहा मटन हंडी, जो कि रांची का फेमस है, वहीं से ये लेके आए हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है उसकी मटन हंडी, तो वहीं से ये लेके आए हैं। तो व्लॉग को मैं आज सुबह एंड कर रही हूँ, क्योंकि रात को लाइट कट गया था और मुझे व्लॉग बनाने का मौका नहीं मिला, इसीलिए तो व्लॉग का सुबह एंड कर रही हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सुबह सुबह मेरी पीहू बाहर खेल रही है यहाँ पे, और अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते होंगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।